हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर टाइम से, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उनसे जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा साथ और लोगों के साथ जुड़ सके। और आप लोगों के साथ जुड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आई हूँ पशुओं को लेकर पानी पिलाने, और मुझे इनको छोड़ना है चरने, और वहीं पर हम लकड़ी भी काटेंगे, पशुओं को भी चराएंगे, क्योंकि एक साथ में हो जाएंगे दो दो काम। क्योंकि आज मैं हूँ नज़दीक ही घर के पास, और चेतन घर पे नहीं है, वो चला गया है, यहीं गांव में छोटा सा फंक्शन है तो वो वहाँ भी चला गया है। मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि घर पे काम है। अगर वो चला गया या मैं चला गई, हम दो में से कोई एक ही जा सकता था। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे जाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है आप ही जाओ। और वंशु भी चला गया है, मेरी बारी है घर पे, और मैं यहाँ पे पानी भी पिलाऊंगी, और मुझे पानी की बॉटल भी भरनी है, क्योंकि ये ले जाना मुझे जहाँ पे पति देव जी मेरे काट रहे हैं लकड़ी। तो इसको मैं यहाँ से भर लेती हूँ। और ये है हमारे गांव का शुद्ध और नेचुरल वाटर, ये प्राकृतिक स्रोत है, और इसमें ना कोई इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। ये कितना शुद्ध जल है ये। तो अब चलते हैं खेत की तरफ, पशु भी भाग गए होंगे, और आज मिलवाती हूँ मैं आपको अपने पतिदेव से भी। आते नहीं है कैमरे के सामने, मुझे बोलते हैं तुम्हारा काम है भाई, तुम करो जो भी करना है, मुझे ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कहना। वहाँ से मैं मुड़ चुकी हूँ पशुओं को पानी पिला करके, और देखिए फ्रेंड्स आज मौसम कुछ ऐसा ही है, ना धूप ही है और ना बादल है ना बारिश है, बस मिला जुला सा मौसम। और ये देखिए यहाँ का आसपास का सुंदर सा नज़ारा। तो फाइनली मैं पहुँच गई अपने खेत में, और यहीं पे काट रहे हैं लकड़ी भी हम, हालांकि हो गई है, मैंने तो काट ली है, पर यहाँ से ले जानी है पतिदेव जी को और हमारी ननद जी को भी हमने काट ली है। तो अब चलते हैं खेत की तरफ। और कल मुझे याद आया, कल चेतन ने ब्लॉगिंग करी है, मैं उसको मना किया था कि फ़ोन मत छेड़ना, रहने देना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा है, मैं सुबह निकल जाती हूँ तो शाम को आती हूँ, आजकल वैसे भी काम कर रहे हैं घर में। तो मैंने उससे मना की थी कि फ़ोन मत छेड़ना, थोड़ा सा ब्लॉग था वहाँ पे, और उसने उसके आगे स्टार्ट करके ब्लॉग बना दिया, और आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया, आप सभी का थैंक यू सो मच। पर वो बच्चा है अभी, हालांकि काम करता है पर उसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, करता ज़रूर है, बट आप लोगों ने उसको इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी मैं पहुंच गई खेत में, अब चलते हैं परली साइड को, और देखते हैं कि हमारे स्वामी जी कहाँ काट रहे हैं लकड़ी। और देखिए मौसम इतना ख़राब है, रात को तूफान चल रहा था, ज़ोर ज़ोर से ठंडी ठंडी हवाएं, और बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी नहीं, पर मौसम ख़राब है आज, ये देखिए पूरा मौसम ख़राब। आज के खेत में, और देखिए सामने से आ रहे हैं पापा, यानी कि हमारे ससुर जी, ये भी इस साइड को ही आ रहे हैं, जिनको बुला रही है गाय। गाय लगी तो सब बुलाना पिताजी, ये देखो गाय लगी बुलाने, ये थी पर जैसे बकरी। आज ये देखिए पापा भी जा रहे हैं घूमने रोड रोड से बॉडी साइड को, पता नहीं शायद जाओगा कोई ऐसा दे। और यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की सी बारिश, ये देखिए। और मैं आ गई हूँ ऊपर खेत में, क्योंकि मैंने बताया था ना कल हम लकड़ी काट रहे थे जहाँ पे, वहाँ पे लकड़ी का एक हिस्सा छूट करके मेरे यहाँ पे गिरा था, तो मुझे बहुत दर्द हो रही है उसमें, और इस जो राइट साइड है ना वहाँ से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से आज मेरी ड्यूटी लगा दी है पशुओं के पास, कि तुम्हें चराने हैं पशु सिर्फ, और हमें खाना बनाना है बस।
बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, और हम लकड़ी काट लेंगे, इकट्ठी भी हम ही कर लेंगे, और ढोएंगी तो खुद बाद में। चलो कोई बात नहीं, घर के लिए ले जानी, बाद में ले जाऊंगी। और ये है यहाँ पे नाशपाती का पेड़, तो देखिए नाशपाती के पेड़ में हल्की हल्की सी कोंपले आने लग पड़ी है, यानी कि इससे हमें जाहिर होता है कि जो गर्मियाँ हैं वो आने वाली है, और गर्मियों ने हमें दस्तक दे दी है। और इनको बुलाया और साथ में आ गए पास में, और ये देखिए इसमें भी स्टार्टिंग में ही फूल निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब हमें इसकी जो रिपेयर है वो करनी है, तो इसके लिए भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है, और हमारे पास ज़्यादा पेड़ नहीं है नाशपाती के, सिर्फ दो या तीन पेड़ हैं, और तीन पेड़ों में भी मुझे टाइम नहीं लगता क्योंकि घर में इतना सारा काम होता है। तो इसके साथ साथ मुझे इनकी जो देख रेख है वो करना मुझे आता नहीं है सही ढंग से, और अगर किसी को आता है करना जो नाशपाती होती है, खैर अब तो मुझे लगता है कि अब तो इसमें कुछ भी करने को नहीं है क्योंकि इसमें आ चुके हैं फूल और इसमें निकल रहे हैं अंकुर। बट जो जानते होंगे कि किस तरह से इनकी काट छांट की जाती है, मैं तो बस कुछ नहीं करती, थोड़ा थोड़ा मैं गोबर लाऊंगी और इनके जो नीचे तना है, इनकी जड़ें हैं, जड़ों के पास रख दूंगी। बट इनकी कुछ खास तरीके से काट छांट भी करते हैं वो मुझे करनी नहीं आती, और अगर जिसी को पता है कि किस तरह से इनकी काट छांट करते हैं तो वो लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हालांकि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलता, बंदर और तोते खा जाते हैं। चलिए किसी के लिए भी बना लगी है, कुछ जिसके भाग्य में होगी वो खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए सही हमारे लिए ना सही। और ये देखिए यहाँ पर नीचे ये है दो जो हमारे साथ काम करने वाले हैं और हमारे पति देव जी। बट ऐसा क्यों, मेरे पति देव जी जब भी फ़ोन उठाती हूँ, कैमरा उठाती हूँ, तो पीठ क्यों फेर देते हैं? ये देखिए इनको पता लग गया कि मैंने कैमरा उठाया है हाथ में, तो इन्होंने पहले ही पीठ फेर दी कैमरे की तरफ। हमेशा ये ऐसा करते हैं, पीठ फेर देते हैं, पीछे को मुड़ जाते हैं जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको भी लगता है कि मुझे बोलते पता नहीं तू क्या क्या करती रहती है कैमरे के सामने, खैर मुझसे तो दूर ही रख तो ऐसे करते हैं ये देखिए पीछे को मुड़ गए। और ऊपर वाले खेत के बाद में ये चल पड़े थे यहाँ सड़क के नीचे, जो कि जेसीबी के साथ नीचे गिरी हुई थी, और वैसे भी यहाँ से आधे लोगों ने चोर दिए, तो इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे तो मुझे ये घर ले जाने के लिए आसान रहेगी, क्योंकि ये हमारी ही ज़मीन में थी और सड़क जब निकली तो ये ख़राब हो गई। अभी शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हरी घास भी, और वंशु मेरे पास नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था, चेतन भी नहीं है। अब मुझे जाना है घर की तरफ, और घर में जाकर के देखते हैं क्या काम करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, ऐसे ही है ढीली ढीली सी, और एक तो मेरे सिर में कांटा लगा है, दिखाती हूँ आपको नज़दीक से, ये देखिए यहाँ पर, और ये जो कांटा लगा है ये जो दांतुन होती है ना कांटे वाली, क्या बोलते हैं उसको यार, टिम्बर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उस टिम्बर का कांटा लगा है, इसकी वजह से भी दर्द हो रही है। कल भी निकाल रही थी इसको, निकला नहीं, आज भी कोशिश कर रही थी, आज भी नहीं निकला। आप लोग भी बोलोगे कृष्णा तेरी कभी परेशानियाँ ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता ख़त्म होगी कभी, मेरी परेशानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि नहीं होंगी, पर फिर भी हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हमें खुद पे यकीन रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करने का जज्बा अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, अब चलती हूँ सीधा घर की तरफ, और आपसे मिलेंगे एक
नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। टाटा।